हमारे घर में जब भी लौकी, तुरई, टिंडे और परवल जैसी सब्जियों का नाम आता है ना, तो सबको ना सबका मुंह बन जाता है। सब ये सोचते हैं कि ये तो हमें नहीं खाना। मतलब मैंने जनरली जब भी किसी से बताया कि हाँ मैंने लौकी बनाई या तुरई बनाई या टिंडे बनाए, तो सबका ना अजीब सा रिएक्शन होता था, ये कौन खाता है, ये कैसे खा लिया जाता है। बट ट्रस्ट मी, ये इतनी ज़्यादा हेल्दी होती हैं सब्जियाँ कि अगर आप इनको अपनी डाइट में शामिल करोगे ना, तो आप बहुत सारी बीमारियों को अपने से दूर भगा सकते हो। सो वेलकम बैक टू हेल्दी डाइट आरू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं ना लौकी की बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। लौकी की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर करी है और आपको पता ही लग गया होगा कि लौकी की सब्जी ना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो है दही लौकी। जी हाँ, दही लौकी, और इसको हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है लोहे की कढ़ाई और उसमें मैंने डाल दिया है 1.5 से 2 चम्मच घी। देसी घी में मैं आज बनाने वाली हूँ, और देसी घी में ना इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना कि आप एक बार बना के देखना, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, और थोड़े से मैंने इसमें डाला है मेथी दाना। मेथी दाना और जीरा जब तड़क गया है, उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी हींग। इसके अलावा मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये है थोड़ा सा मैंने अदरक और हरी मिर्च, ये मैंने अच्छे से कूच लिया था मसालेदानी में, तो उसमें कूच के ना ये मैंने डाल दिया है अदरक और हरी मिर्च। इसमें हम प्याज और लहसुन का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये है कुटी हुई कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी वाली मिर्च नहीं है, तो वो मैंने डाल दी है जस्ट फॉर थोड़ा सा कलर के लिए। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, और साथ ही मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। ये मैं बहुत ही सिंपल बनाने वाली हूँ और मसाला मेरा जले ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं भून रही हूँ मसाले को। थोड़ा सा ये थोड़ा तेल सा या घी जो भी आपने डाला है वो छोड़ने लगेगा। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, मतलब इससे पहले मैंने जितनी भी बार लौकी बनाई है ना, मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने घी में बनाई और मुझे इतनी अच्छी लगी ना इसकी खुशबू, वाओ, पूरे घर में महक जाती है। और उसके बाद यहाँ मैंने डाल दी है लौकी। तो लौकी आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, अगर आपको चाहिए, जैसे बहुत से लोग गोल गोल शेप में काटते हैं, राउंड शेप में, आप वैसे काट सकते हैं। मैंने इसको इसी शेप में काटा है और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढककर इसको पकाऊंगी, और मतलब लगभग 2 से 3 बार इसको आपको बीच बीच में चलाना पड़ेगा, है ना, जिससे जब ये पक जाए पूरी तरह से। और दही लौकी बनाने का ना मतलब सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं कि दही को पहले ही पका लेते हैं मसाले में बिना नमक डाले और उसके बाद उसमें लौकी डालते हैं, तो ये बहुत तरीके से बनाई जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये तरीका नहीं है लौकी बनाने का, दही लौकी बनाने का, या ये वाला नहीं है, क्योंकि एक ही डिश को हमारे भारत जैसे देश में एक ही डिश को, एक ही रेसिपी को कई तरीके से बनाया जा सकता है। तो सब जो एरिया है, सब जो रीजन है, सब जो क्षेत्र है, उनकी अलग अलग खासियत है, अलग अलग वहाँ की भाषा है, वेश है, इसके अलावा खान पान है, और सबका अलग स्वाद है। तो इस तरह से आप इसको बनाए। और उसके बाद जब मेरी पूरी लौकी ये बन गई थी, तो मैंने लास्ट में क्या किया कि दही था, मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था, मतलब उसको विस्कर से अच्छे से कर लिया था, और जिससे उसमें लम्स ना रहें, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसके बाद मैंने इसको पूरा उसके ऊपर डाल दिया, लौकी के ऊपर। और इस टाइम पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको गैस को बिल्कुल कर देना है बंद। तो जब आप दही डालें ना, तो दही को डालते समय आपकी जो गैस है वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो दही आपने डाला है वो फट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो लौकी है उसके अंदर नमक है। इसके बाद मैंने, आपको पता ही है, मैंने कर दिया था हरे धनिए से गार्निश, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरह से दही लौकी बनाकर खाएंगे ना, तो मतलब आप इसको चावल के साथ खाइए, आप इसको रोटी के साथ खाइए, जिसके साथ खाना है वैसे खाइए। बट ट्रस्ट मी, मैंने इसको बनाया था चावल के साथ और मुझे बहुत अच्छी लगती है लौकी की सब्जी। अगर आप इसको दही नहीं है आपके पास, आप दही नहीं डालना चाह रहे हैं, आपके पास दूध की मलाई है ना, तो उसको भी आप डाल सकते हैं लास्ट में, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो बहुत सारी सब्जियों में ना यही करती हूँ कि अगर दूध की मलाई होती है ना ऊपर, जो काफ़ी गाढ़ी सी होती है, तो मैं लास्ट में ना जब सब्जी बन जाती है तो ऊपर से मैं मलाई वो डाल देती हूँ, ताजी ताजी मलाई, उससे टेस्ट इतना एनहेंस हो जाता है ना, इतना
इतना टेस्टी लगता है ना कि फिर आप ढाबे का, रेस्टोरेंट का, फाइव स्टार होटल का, सबका खाना भूल जाओगे। और घर का खाना है तो ऑब्वियसली हेल्दी और टेस्टी तो होगा ही। तो आई होप आपको यह रेसिपी ना पसंद आई होगी। ये मेरी फेवरेट है इसलिए मैं इसको बहुत बार बनाती हूँ, इसलिए शायद बार बार शेयर भी करती हूँ। बट मैं मिलूंगी अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।